हेलो दोस्तों, आज का विषय हमारा कैम शाफ्ट पार्ट टू है। इसमें हम कैम प्रोफाइल के बारे में जानेंगे और इंजन की टाइमिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैम प्रोफाइल से। कैम प्रोफाइल में हम बात करते हैं तो देखिए, कैम प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि इसमें हम तीन एंगल बताते हैं। पहली चीज बताते हैं कि जिस समय वाल्व पूर्ण रूप से बंद रहता है, दूसरे में हम बताते हैं कि वाल्व कब खुलना शुरू करता है, और एक लास्ट वाली जो स्थिति आती है जहां पर वाल्व पूर्ण रूप से खुला रहता है। तो देखिए, चलिए पहले उसको हम समझते हैं हम एक कैम के माध्यम से। तो देखिए, आप जब इंजन में देखेंगे कुछ इस तरीके की कैम आपको सामने दिखाई देगी इस तरीके से। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला वो भाग होता है जिस समय वाल्व पूर्ण रूप से बंद होते हैं, तो हम हमेशा उसको ड्वेल एंगल के नाम से जानते हैं। ड्वेल एंगल का जो भाग होता है, यह पीछे वाला भाग होता है, यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो पीछे का भाग होता है जिस समय वाल्व क्या होते हैं, पूर्ण रूप से बंद रहते हैं, तो ये भाग इसका ड्वेल एंगल कहलाता है। इसके बाद जो हमारा टेपिट होता है कैम के द्वारा, उसे ऊपर उठाना जब शुरू कर दिया जाता है, तो चूंकि देखिए लिफ्ट करने का मतलब यही होता है उसे उठाना, तो यहां पर ये वो भाग है जो क्या करता है, हमारे उस लिफ्टर को उठाना शुरू कर देता है, या हम ये कहें कि वाल्व खुलना शुरू कर देता है। और सबसे ऊपर का ये जो टॉप पॉइंट होता है, इसे हम कैम लोब के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि यही लोब पर यह पूर्ण रूप से खुला होता है। चलिए इसे हम एक, हमारे पास एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है बना हुआ है, इसके द्वारा एक मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने ड्वेल एंगल वो पार्ट बताया जिस समय यह बंद रहता है। आप यहां पर देखेंगे कि यह स्थिति जब तक रहेगी आपका वाल्व जो है ये बंद रहता है। इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर आने लगता है तो आप देखेंगे कि यह खुलना शुरू कर रहा है। इस स्थिति में वाल्व को ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है, तो ये जो हिस्सा है, ये जो स्थिति है, ये क्या कर रही है, हमारे टेपिट को जो है लिफ्ट कर रही है। तो यही एंगल जो होता है इसका, ये लिफ्ट एंगल कहलाता है। और लोब वाला जो भाग होता है जो पूर्ण रूप से हमारे वाल्व को खोल के रखता है, यह कैम लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजन टाइमिंग की। तो देखिए, इंजन में जो टाइमिंग होती है वो हम दो, हमारी सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग होती है। सबसे पहले कैम टाइमिंग, जिसे हम कहते हैं क्रैंक शाफ्ट या पिस्टन के अकॉर्डिंग वाल्वों का खुलना और बंद होना, और जो दूसरी टाइमिंग होती है वो होती है हमारी फ्यूल इंजेक्शन। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम कैम शाफ्ट के बारे में जान रहे हैं तो हम कैम टाइमिंग को आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैम के ऊपर, देखिए दो तरीके से ये टाइमिंग मिलाई जाती है। पहला होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है जो कि मार्किंग कंपनी के द्वारा दी जाती है। निशान से निशान मिला देने पर भी क्या होती है, इसकी टाइमिंग मिल जाती है। अधिकतर हमारे जो आम मैकेनिक है वो इसी तरीके से टाइमिंग मिलाते हैं, लेकिन हम थ्योरेटिकल टाइमिंग पर भी इसे मिला करके देखेंगे कि क्या ये निशान मिलता है या नहीं मिलता है। यदि कभी गियर के ऊपर यह मार्क नहीं आता है तो हम इस दूसरी तरीके से काम में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप निशान देखिए यहां पर। तो सबसे पहले आप यहां इसके ऊपर डॉट देख रहे हैं, यहां यह कैम शाफ्ट का टाइमिंग मार्क है। इसे आप देखेंगे तो यह हमारे गियर के एकदम सेंटर में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं क्रैंक शाफ्ट के ऊपर टाइमिंग गियर को। तो टाइमिंग गियर के ऊपर देखिए, यहां जो टाइमिंग मार्क दिया गया है वो इन दोनों गियरों के बीच में लगा हुआ है ये मार्क। तो इसका मतलब यह है कि आप जब भी इसे कभी मिलाएंगे तो इस वाले मार्क को इन दोनों के ग्रूव के बीच में बिठा देना है, तो यह मार्क आपस में क्या हो जाएंगे, मिलान कर जाएंगे, या हम ये कहते हैं कि टाइमिंग हमारी मिल जाएगी। इसके अलावा क्रैंक शाफ्ट के गियर के ऊपर एक टाइमिंग मार्क और दिया जाता है, जो कि आइडल गियर के लिए दिया जाता है, ताकि हम हमारे FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप की भी टाइमिंग मिला सके। तो यहां आप देखेंगे कि इसके ऊपर हमने एक स्पेशल डबल मार्किंग की गई है। तो इसी तरीके की डबल मार्किंग आपको आइडल गियर के ऊपर मिलेगी, जो कि हम अभी अगले इसमें देखने वाले हैं आगे चल करके। इससे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक में, इसे मिला करके चेक करेंगे कि टाइमिंग किस तरीके से मिलाई जाती है। तो ये दो तरीके से टाइमिंग मिलाई जाती है। पहली टाइमिंग होती है जिसमें हम टाइमिंग मार्क को आपस में मिला देते हैं और इंजन में फिट कर देते हैं। अगर आपके पास कभी ऐसी स्थिति आ गई कि टाइमिंग मार्क नहीं हुआ तो आप यह टाइमिंग किस तरीके से मिलाएंगे, तो वहां आपको थ्योरेटिकल जो है टाइमिंग मिलानी पड़ेगी। मतलब आपको थ्योरी का पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार का इंजन हो उसकी टाइमिंग आसानी से मिला सकते हैं। तो आज हम दोनों तरीके से टाइमिंग मिलाने को देखेंगे कि किस तरीके से ये टाइमिंग मिलाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। इंजन टाइमिंग मिलाने से पहले हम दो बेसिक बातों के बारे में चर्चा करेंगे।
कि दो बेसिक बातें कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जब भी यह क्रैंक पिन ऊपर की तरफ आएगा तो पिस्टन हमेशा टीडीसी रॉक पोजीशन पे आएगा, या हम ये कहें कि पिस्टन हमेशा जब टीडीसी पर आता है तो दो अवस्थाओं में आता है, एक तो एग्जॉस्ट करने के लिए, दूसरा कंप्रेशन करने के लिए। आपको हमेशा कंप्रेशन स्ट्रोक में ले करके आना है, क्योंकि इसका जो जोड़ा होगा वो भी कहां होगा, टीडीसी पर ही होगा। तो इसीलिए हमें दोनों में से क्या करना है, सिर्फ दोनों को ऊपर लेकर के आना, टीडीसी रॉक पोजीशन पे लेके जाना है। इसके बाद हमें कैमशाफ्ट को हमेशा ये रखना है कि पहले नंबर के जो दोनों वाल्व हैं उन्हें बंद रखना है। तो हम सबसे पहले जब हम अभी इसे सिलेंडर ब्लॉक में लगाएंगे तो इस समय हम ये ध्यान रखेंगे, चूंकि अभी ये उल्टा है तो हम इस वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि पिस्टन एकदम टीडीसी रॉक पोजीशन पे है। रॉक पोजीशन पे लगाने के बाद हम यहाँ पर कैमशाफ्ट जो है इसको भी लगाएंगे, और कैमशाफ्ट में जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा कैम लोबे, ये दोनों भी डांसिंग पोजीशन पे होती है, या फिर हम ये कहें कि जब भी मैं इसे दायां बायां घुमाऊंगा तो इनलेट वाल्व खुलेगा या फिर एग्जास्ट वाल्व खुलेगा, या इनलेट दाएं बाएं घुमाने पर या फिर इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा एग्जास्ट वाल्व खुलेगा, या एग्जास्ट वाल्व खुलेगा इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं लेके आऊंगा तो एक सेट का क्या होगा, दोनों वाल्व एकदम टाइट होंगे, मतलब खुले हुए होंगे, पुश रॉड एकदम टाइट होंगी, उसमें जब आप उसे हाथ से घुमा करके चेक करेंगे तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसे जब ब्लॉक में लगाएंगे तो चूंकि ये उल्टा होगा तो मुझे ये वाला भाग ही दिखाई देगा, तो मुझे हमेशा ये वाला भाग ही चेक करना है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा मुझे दिखाई नहीं देगा। तो मैं जब इसे लगाऊंगा तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग मेरे को ये लगाना पड़ेगा, ये दोनों बराबर रखने पड़ेंगे, तब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर अभी वाल्व डांसिंग पोजिशन में है थ्योरेटिकल। और इसके बाद जब ये दोनों इस तरीके से आपस में बैठ जाएंगे, पिस्टन टीडीसी पे होगा, दोनों वाल्व बंद होंगे, उसके बाद हम टाइमिंग मार्क चेक करेंगे। तो इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि हम सबसे पहले पिस्टन को जो है टीडीसी रॉक पोजीशन पे लेके आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कैमलोब को देखेंगे कि जो कैमलोब है ये क्या हमारी ऊपर है, तो देखिए अभी दोनों नीचे हैं, तो हमें इसे घुमाऊंगा और ऊपर लेकर के आऊंगा, तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर आ रही है। ऊपर आने के बाद पहले मुझे ये देखना है कि हाँ ये टीडीसी रॉक पोजिशन पे है, इसके बाद दोनों कैमलोबे एकदम बराबर है, इसके बाद मुझे क्या कर देना है, इसके अंदर इसे टाइमिंग इस तरीके से मिला देनी है। तो अब देखते हैं हम इसे दूसरी तरफ, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि यह टाइमिंग मार्क जो है हमारा एकदम परफेक्टली मिला हुआ है, यहां पर यह टाइमिंग मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह किस तरीके से एकदम मैच कर रहा है। हमने सिर्फ यहां पर थियोटिकल जो है टाइमिंग मिलाई है। तो इस तरीके से अगर आपका कभी भी टाइमिंग मार्क नहीं है आपके पास और आपको क्या करनी है, टाइमिंग मिलानी है, या आपको टाइमिंग मिलाने में कभी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरीके से आप टाइमिंग मिला सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, तो देखिए यहां पर क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की टाइमिंग मार्क इस तरीके से आमने सामने मैच हो जाएंगे जो कि आपने थियोरेटिकल मिलाया। लेकिन अगर आपको आइडल गियर देखना है तो देखिए आइडल गियर पे भी क्या है, दो मार्क किए होते हैं, तो आइडल गियर पे हमेशा यह ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको अलग निशान दिए जाएंगे और आपको उन निशानों से ही क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा। अभी किस तरीके से निशान हो सकते हैं, तो देखिए क्या तो आपको वहां पर एक मोटा पंच मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेंगे वहां पर एक से ज्यादा पंच मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो निशान एक जैसे मैच खा रहे हैं आपको उन्हीं के साथ इनका मिलान करना है। अगर आप इन्हें गड़बड़ कर देंगे तो आपके इंजन की टाइमिंग सही तरीके से काम नहीं करेगी, मतलब मिल नहीं पाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि आइडल गियर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP को चाल दे रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक अलग से प्रकार का निशान आपको यहां दिखाई देगा, जिसमें दो छोटे छोटे डॉट हैं दो गियरों के बीच में, और एक सिंगल गियर के ऊपर क्या किया गया, आइडल गियर के ऊपर बीच में डॉट दिया गया है। तो आपने इन दोनों के बीच में इससे मिलान कर देना है। तो ये अपने आप यहां पर आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ये एक जैसे हैं तो एक जैसे मिलेंगे, यहां पर ये विपरीत है तो इसका मतलब FIP पे और कोई भी आपको निशान नहीं मिलेगा। तो आपको इसी मार्क के साथ में इसे लगाना है। तो इस तरीके से आप अपने इंजन की टाइमिंग मिला सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई कैमशाफ्ट पार्ट 2 में कैम प्रोफाइल वे वाल्व टाइमिंग की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।